हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है फोर्ड की इको स्पोर्ट पुश बटन स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर कंप्लेन है कि हमारा स्टीयरिंग हार्ड चल रहा है, नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर वार्निंग लाइट भी आ रही है, देख रहे हैं आप, स्टीयरिंग का, एबीएस का, एयरबैग का और ओबीडी लैंप आ रहा है। तो हम इसको स्कैन करते हैं डाइक जोन प्रो। ओके, इसका डीएलसी लोकेशन यहाँ है। इसमें आप मैनुअल भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन में ऑटो सर्च में क्लिक, यहाँ पे लिखता है सेट इग्निशन स्विच ऑन सेकेंड पोजिशन, तो हमारा इग्निशन ऑन है, ओके कर देंगे। इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे इको स्पोर्ट 2017 मॉडल, 1.5 लीटर का इंजन है, डीजल, ओके, मैनुअल ट्रांसमिशन। सिस्टम सिलेक्शन लेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लेन आया है, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, रीड पोर्ट कोड, डाटा रिसीव फ्रॉम ईसीएम कंट्रोल मॉड्यूल, पीसीएम कंट्रोल मॉड्यूल इनवैलिड, एंट्री इनवैलिड डाटा रिसीव फ्रॉम एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसमें जो रिसीविंग डाटा है वो नहीं आ रहा है, इसके वजह से ये स्ट्रिंग हमारा हार्ड है। तो हम एबीएस का वो अब सर्च करेंगे, यहाँ से बैक हो लेते हैं। यहाँ पे हमारा एबीएस सबसे ऊपर में, रीड पोर्ट कोड, डीटीसी। तो यहाँ पे एक हमें कोड मिल रहा है फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर का, तो हम इसको देखते हैं। फ्रंट स्पीड सेंसर का, तो जिस तरह से हमारा सेंसर बता रहा है कि फ्रंट राइट साइड का वायरिंग चेक करेंगे या सेंसर चेक करेंगे, तो हम उससे पहले ये चक्का जो है इसको हम खोल लेंगे। खोलते हैं इसको, हमने इसका व्हील खोल लिया है। ये हमारा सेंसर है यहाँ पे, तो इसका वायरिंग हम ट्रेस करेंगे। इधर तक तो हमारा वायर बिल्कुल सही दिख रहा है, फेंडर हमने खोला हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे वायर ब्रेक है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये वायर कटा हुआ है, तो हम इसको खोल के सोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ पे हमने परफेक्टली इसको सोल्ड कर दिया है, ओके। अब इसको हम टेपिंग करेंगे और टेपिंग करने के बाद क्या रिजल्ट है वो चेक करेंगे।